वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने गार्डन में आप लोगों को कुछ चिड़ियों के घोंसले दिखाऊंगी। उनमें बच्चे भी हैं और हम ऐसा क्या करें जिससे ये चिड़ियां हमारे गार्डन में अट्रैक्ट हों, कौन से ऐसे प्लांट लगाएं जिससे ये हमारे गार्डन में आएं, और सबसे बड़ी बात कि जब हम जैविक खेती करते हैं या जैविक फार्मिंग करते हैं या किसी भी तरह से हम ऑर्गेनिक से जुड़े हुए हैं, तो हम देखेंगे कि अपने आप एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है जिससे कि तितलियां, चिड़ियां और जितने भी पॉलिनेटर्स होते हैं, तरह तरह के बग, वो सब ऑटोमेटिक आपके गार्डन में अट्रैक्ट होते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे ही आप केमिकल करना शुरू करते हैं, ये सब आपके गार्डन से गायब हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको ये सब दिखाना चाहती हूँ ताकि आप लोग भी ऑर्गेनिक की ओर बढ़ें। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। बेसिकली हमारे गार्डन में चार पांच तरह की बर्ड्स बहुत कॉमन होती हैं जो आती हैं, लेकिन उनके लिए अगर सही माहौल हो तभी वो आती हैं। तो मेरे गार्डन में स्पैरोज़ आती हैं, बुलबुल है, सनबर्ड है, टेलर बर्ड आती हैं और डव, वाइल्ड डव आती हैं। ये पांचों मेरे गार्डन में घोंसले बनाती हैं और मॉनसून के बाद से इनका ये शुरू हो जाता है, घोंसले बनाने का, नेस्टिंग करने का सीज़न शुरू हो जाता है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे टेलर बर्ड किस तरह के प्लांट पे अपना घोंसला बनाती है। इसके लिए हमेशा बड़ी पत्तियाँ, चूँकि एक ही पत्ती को फोल्ड करके वो सिल के उसकी सिलाई करके घोंसला बनाती हैं, शायद इसीलिए उसका नाम टेलर बर्ड है, और उसी में उनके बच्चे होते हैं। और आपने देखा होगा मेरे किसी एक प्रीवियस रेस्क्यू, इन्हीं की बेबीज का रेस्क्यू किया था मैंने, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। क्योंकि जब पत्ते छोटे होते हैं और घोंसले छोटे हो जाते हैं और चार बेबीज उसमें, तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। अगर एक बेबी भी उसमें गिर गया नीचे तो उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। पिछली बार ऐसे ही एक बच्चे को मैंने बचाया था और वो वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। इस बार भी चार अंडे थे उसमें। मैं हर दिन, मुझे उनकी चिंता होती थी, मैं हर दिन आती थी देखने कि कहीं कोई बच्चा गिरा ना हो, लेकिन इस बार मैंने देखा है कि जिस प्लांट पे, हर साल एक ही प्लांट पे वो नेस्ट बनाती हैं, उनके पत्ते बहुत बड़े बड़े थे जिसकी वजह से वो चारों बेबीज उसमें बहुत अच्छे से थे। और आपको उनके कुछ क्लिप्स मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह वो चारों बच्चे छोटे से घोंसले में कितने अच्छे से डेवलप हुए। और उनकी पहली फ्लाइट भी, मतलब हर कुछ अमेजिंग था। और आपको मैं दिखाती हूँ उसके घोंसले को और किन किन तरह के प्लांट्स में वो नेस्टिंग करती हैं वो भी दिखाऊंगी। यहाँ देखें, यहाँ ये एक ये पलास का पौधा है, इसके लीफ देखें कितने अच्छे होते हैं। इस लीफ को फोल्ड करने में उसे बहुत इजी होता है, इस तरह से लीफ फोल्ड हो जाते हैं। आप देखें, ये उसका नेस्ट है, ये देखें ये किस तरह से बुनाई करके बना हुआ है। मैं अंदर भी शायद आपको दिखा पाऊँ, और डेलिकेट है ये नेस्ट। ये देखें, अंदर में रुई और बहुत पतले तिनकों से बहुत ही आरामदेह घोंसला बना हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर घोंसला है ये, और इसी में वो चारों बेबीज़ थे। आप उनकी क्लिपिंग देख के ही समझ जाएंगे कि वो किस तरह इसमें रहते होंगे। और आप बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट भी लगा सकते हैं। आप यहाँ देखें, ये एक मनी प्लांट लगा हुआ है, इससे थोड़े बड़े पत्तों वाला लगाएं, इसमें भी वो नेस्टिंग करती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी थोड़े बड़े पत्ते होते हैं जिसमें फिलोडेंड्रन आता है, और इस तरह के जो डिफेनबेकिया के प्लांट होते हैं, आप देखें ये डिफेनबेकिया के प्लांट अगर आप बड़े गमलों में लगाएंगे, इसकी पत्तियां काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, इनमें भी वो बहुत बढ़िया नेस्टिंग करते हैं। तो एक ही चीज़ है कि थोड़े हार्डी होने चाहिए पत्ते और मजबूत होने चाहिए। इस तरह के प्लांट को अगर आप अपने गार्डन में जगह देते हैं, ऑटोमेटिकली ये लोगों के बीच ही रहना पसंद करती हैं और ये आपके गार्डन में आएंगी, घोंसले बनाएंगी
और यकीन माने ये जो सारा नज़ारा होता है ये बेहद खूबसूरत होता है, बहुत सेटिस्फाइंग होता है, तो आप लोग ज़रूर ऐसा करें। मेरे गार्डन का ये एरिया देख रहे हैं, ये मेरे गार्डन की सबसे ठंडी जगह है। तो जब भी ये बर्ड नेस्टिंग करते हैं तो वो ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, जिससे उनके बच्चों को नुकसान ना हो और पूरा उनका लाइफ साइकिल अच्छे से पूरा हो सके। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे तीन और घोंसले बने हुए हैं, एक सन बर्ड का जो तकरीबन हर साल यहाँ पे घोंसला बनाती है, आप देख सकते हैं वो सन बर्ड का घोंसला है, ये मुझे सबसे प्यारा लगता है। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ एक मैंने हैंगिंग ये बॉटल को काट के वेस्ट को मैंने यूज़ किया था, ये हैंगिंग मेरा बना हुआ है। और यहाँ पे उसने यहीं पे ये घोंसले बनाने शुरू कर दिए, आप इसके घोंसले को देख सकते हैं किस तरह तिनकों को अरेंज करके घोंसला बनाया हुआ है, ये वाइल्ड डब का घोंसला है। और यहाँ पे आप दूसरा सनबर्ड देख सकते हैं, दूसरे सनबर्ड का वो घोंसला, एक और घोंसला है। सोचिए एक ही लाइन में ये तीन घोंसले बने हुए हैं, ये सब आपके ऑर्गेनिक गार्डनिंग का कमाल है, क्योंकि इनको यहाँ पे वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए। ये सारे कीड़े मकोड़े बेरीज़ नेक्टर फ्लावर इन्हीं सब पे पलते हैं, तो जब ये सारी चीज़ें उन्हें ईजी अवेलेबल होती हैं तभी वो नेस्टिंग करते हैं। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखिए कि आपके यहाँ बेरी वाले प्लांट हों, जैसे मैंने चेरी लगाया हुआ है, तो ये जो बुलबुल हैं वो अक्सर मैं उस प्लांट पे उसको देखती हूँ। और छोटी गोल वाली मिर्ची है वो लगाएं उसके खाने के लिए। और जो सन बर्ड है वो आपके गार्डन में जैसे इस तरह के सिलेंड्रिकल फ्लावर होते हैं, जैसे ये कनेर लगा हुआ है, इसी से नेक्टर कलेक्ट करती हैं वो। और इस तरह के बहुत सारे प्लांट अपने गार्डन में लगाएँ। और मैं आप लोगों को एक और बुलबुल का घोंसला दिखाना चाहूँगी कि उसके लिए आप किस तरह के प्लांट लगाएंगे वो भी दिखा देती हूँ मैं। चिड़ियाँ दिखाने जा रही हूँ, वो देखें मेरे सामने ही हैं, दोनों पेरेंट बैठे हुए हैं और उनके अंडे मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये भी बहुत सुंदर बर्ड होती हैं। और जब भी मैं अपने गार्डन में कोई भी प्लांट लगाती हूँ उसके लिए मिट्टी निकालती हूँ, तो ये बर्ड मेरे आसपास ही होते हैं। इसका मतलब है कि उनमें से जो कीड़े निकलते हैं इनको वो खाते हैं बहुत इजीली, उनको यहाँ पे सारे फूड अवेलेबल हैं। मुझे बहुत पसंद हैं ये दोनों। और मैं आप लोगों को अब उनका नेस्ट दिखाती हूँ, चार अंडे हैं उसमें। और आगे भी मैं उनका क्लिपिंग आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी कि कैसे उसमें से बच्चे डेवलप करते हैं। और आप यहाँ पर देखें, ये मेरे अंगूर की बेल है जो बहुत बार आप लोगों ने देखी होगी, और उसके साथ ही ये जामुन का प्लांट लगा हुआ है मेरा। तो जामुन फाइकस ये सब जो प्लांट होते हैं उनकी जब ब्रांचेस इस तरह से ब्रांचेस निकलती हैं उनकी, और उस बीच का जो सपोर्ट वाला जो ब्रांच सपोर्ट के लिए होते हैं उन्हीं पे ये इस तरह के नेस्ट बनाती हैं, आपको दिखाती हूँ। बहुत क्यूट सा है ये। और देखें इन्होंने भी वेस्ट का इस्तेमाल किया है, इन्होंने भी प्लास्टिक का इस्तेमाल इसमें किया हुआ है। आप देखें इस घोंसले को कितना सुंदर है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी इसके अंडे, इसमें चार अंडे हैं, आप देखिए कितना सुंदर नेस्ट, कितना सुंदर घोंसला। जब भी मैं यहाँ आती हूँ मेरा दिल खुश हो जाता है। इसी तरह से आप सोचिए इतने छोटे से गार्डन में इतने सारे नेस्ट हैं, तो ये कितना अच्छा। और एक और चीज़ है कि अगर आप ऑर्गेनिक तरह से गार्डनिंग करते करते एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपका पूरा सिस्टम ही इको फ्रेंडली हो जाता है, उसमें हर साइकिल अपने आप में पूरी हो जाती है और
आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है गार्डनिंग करने के लिए, इसलिए धीरे धीरे जो भी कुछ करें आप ऑर्गेनिक करें अपने गार्डन में, ये बहुत अच्छा है हमारी सेहत के लिए भी, इन जीव जंतुओं के लिए भी, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। प्रकृति कभी कभी कैसी होती है कि हम सामने देखते रहते हैं और हेल्पलेस भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें मेरे वाइल्ड डव का एक और घोंसला है, यहाँ पे बहुत सारे उनके घोंसले थे आप देख सकते हैं, वहाँ पे हर साल वो घोंसले बनाती हैं दोनों कॉर्नर पे मेरे हट के, और यहाँ पे उन्होंने 2 से 3 बार अंडे दिए, लेकिन कुछ दिनों से एक कौवा आता है मेरे गार्डन में जो उनके घोंसलों पे जिनकी नज़र रहती है, और हर बार वो उनके घोंसले को उनके अंडे को ख़राब कर जाता था, लेकिन फिर भी वो दूसरी तीसरी बार भी उन्होंने अंडे दिए और दूसरी तीसरी बार भी उन्होंने उसे ख़राब कर दिए, मैं कुछ नहीं कर पाई। एक आध बार तो मेरे सामने ही ऐसा हुआ, बहुत बुरा लगा, लेकिन कभी कभी हम नेचर के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी मुझे खुशी है कि इसके बावजूद भी मेरे गार्डन में इतने सारे घोंसले हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को जरूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।